नमस्कार सभी को, मैं हूँ नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो जैसे कि एनटीटी की जो एग्ज़ाम्स आने वाली है, तो आपको दो दो एग्ज़ाम्स देखने को मिल रही है, एक तो चंडीगढ़ एनटीटी और साथ में DTPSB एनटीटी, मतलब जो दिल्ली में भी एग्ज़ाम है और चंडीगढ़ में भी। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तब दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा क्योंकि जो चंडीगढ़ में है वहाँ पर आपको NCT के द्वारा ही, अगर आपका मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है तभी आप वहाँ पर फिल करें, नहीं तो आप अपना समय और अपने पैसे ख़राब बिल्कुल ना करें। सो इनकी जो है प्रेपरेशन मैंने स्टार्ट करवा दी है, और जो इनके प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा सोल्यूशन आपको दोनों पेपर्स जो कि चंडीगढ़ और दिल्ली की जो एंटिटी का है, दोनों के पेपर आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको देख सकते हैं। आप अपना जो किस तरीके से कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसका पैटर्न ज़रूर पता कर लें। तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा जो अदर वीडियोस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने अभी हिंदी का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने जो न्यू पैटर्न के थ्रू मैंने जो वो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको जो है क्वेश्चंस के थ्रू एक रूल्स समझाने वाली हूँ, ना कि पहले मैं आपको या पूरे टॉपिक वगैरह पढ़ाऊँगी फिर, या फिर बाद में जाके जो है मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। वो एक बोरिंग मेथड भी कह सकते हैं काफ़ी बार, क्योंकि ऐसा होता है कि जब थ्योरी थ्योरी पढ़ा देते हैं तो वो इतना कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी कम टाइम है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो आप अपनी जो तैयारी है वो एकदम बेस्ट और हार्ड वर्क जो होता है उसकी जगह आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपको जल्दी है वो सफलता मिलेगी। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो ये जो मटेरियल आपको मिल रहा है इन वीडियोस के थ्रू वो एक स्मार्ट स्टडी का पार्ट है। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने जो चाइल्ड साइकोलॉजी इनके बारे में, जो बाल मनोविज्ञान का एक टॉपिक मैंने लिया है, इसमें आपको देखने को मिलेंगे जो स्थूलगामक जो स्किल होते हैं, मतलब ग्रोस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल। तो इनमें मैं जो है पूरा डिफरेंस समझाने वाली हूँ, साथ में कौन कौन से जो एक्टिविटीज़ है वो इनमें आती है, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक जो भी है वहाँ पर ये आप हेडिंग डाल सकते हैं स्किल्स के बारे में, और वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें चाहे कुछ भी ले लें, जो भी उसमें लिखा हुआ है ना, जितने चीज़ें वो आपको एक्यूरेट याद होनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें तो ग्रोस मोटर स्किल में आएगी और ये बाकी बच्ची जो फाइन मोटर स्किल में। हालांकि एक आपको जब पॉइंट मिल जाएगा कि ये क्यों अलग अलग है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि कुछ वीडियोस जो है आपको चंक्स में मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियोस हैं, इसका कोई ज़्यादा बड़े लंबा वीडियोस नहीं होगा ये, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है ताकि आपकी छोटी छोटी पॉइंट जो है वो कवर हो जाएंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल फाइन मोटर स्किल से आज तक ऐसा कोई NTT का या फिर PRT का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जिसमें कि इनके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनको हिंदी में बात करें तो इनको कहते हैं विकास के कौशल। तो स्किल को जो है कौशल कह सकते हैं। आप इनकी टर्म जो है इंग्लिश में याद कर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको देखने को मिल जाएगा इनका नाम। हालांकि हिंदी का में भी जो आता है तो उनका नाम मेनली ग्रोस मोटर स्किल ही लिखा जाता है, हार्डली कभी ऐसा होता है कि वहाँ पर दोनों चीज़ें आपको सूक्ष्म में लिखा हुआ है फिर बाद में ये भी लिखा हुआ है, लेकिन आप इंग्लिश में याद रख लेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि ग्रोस मोटर स्किल्स को स्किल को क्या कहेंगे, स्थूलगामक कौशल, और उसको फाइन मोटर स्किल को कहेंगे सूक्ष्मगामक कौशल, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इस स्थूलगामक कौशल में कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ आती हैं। तो पहला है वॉकिंग, बैलेंसिंग, रनिंग, जंपिंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, रोलिंग, स्विंगिंग, होपिंग और क्लाइंबिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में, और रिदमिक मूवमेंट स्किल्स विद अ बॉल और रिंग, थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं किससे, कि थ्रोइंग और कैचिंग जो है वो फाइन मोटर स्किल है या फिर ग्रोस मोटर स्किल। तो आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें जो कैचिंग और जो थ्रोइंग है वो किसके भाग हैं, ग्रोस मोटर स्किल के, किसके भाग हैं, ग्रोस मोटर स्किल के। सबसे पहले आप ये देखें कि जो वॉकिंग है उसमें आपके जो पैरों का इस्तेमाल हो रहा है,
ठीक है, मतलब कह सकते हैं आपका ओनली पैरों का इस्तेमाल कह सकते हैं, और रनिंग में भी आपका पैरों का थोड़ा शरीर का इस्तेमाल भी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बैलेंसिंग हो रही है आपके शरीर की, आपको सीधा खड़ा रहना है, इधर उधर हिलना नहीं है। उसके बाद क्रीपिंग, क्रीपिंग मतलब रेंग, जैसे सांप चलता है रेंग रेंग के, उस तरीके से स्विंगिंग, झूले की तरह कह सकते हैं, हॉपिंग कूदना, क्लाइंबिंग चढ़ना उतरना इस तरीके से। अब एक बार फाइन मोटर स्किल्स के जो एग्जांपल्स है वो पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी जो है इजी हो जाएगा ये। ओके, तो अब आपको इन पढ़ने से, इन सारे एग्जांपल्स को, तो एक चीज़ समझ में आई होगी कि जो ग्रॉस मोटर स्किल्स है, कि स्थूलगामक ये जो कौशल है, इसमें क्या यूज़ हो रहा है, वॉकिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, अपने पैर यूज़ करेंगे, मतलब मसल्स हमारी यूज़ होने वाली है, रनिंग के लिए भी मसल्स मतलब पैरों की, पैर इस्तेमाल होंगे, ठीक है। और जब कोई कैचिंग कैच करेंगे, ठीक है, कैच करने के लिए क्या मैं एक उंगली से कैच कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ मैं, कैचिंग के लिए मुझे क्या अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए, जहाँ पर आपके मसल्स का इस्तेमाल नहीं होता है वो चीज़ें किस में आएगी, फाइन मोटर स्किल्स में। आपको बताऊंगा उंगलियों में जो है मसल्स नहीं होती है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं जो चीज़ें हम उंगलियों से करते हैं, मतलब फिंगर्स से करेंगे, वो किस में आ जाएगी, फाइन मोटर स्किल में। और जो हम मसल से, हाथ पैरों से, इन सभी से करेंगे, वो किस में आ जाएगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स में। तो आपको अब कोई भी एक भी जो है डाउट नहीं रहा होगा। जैसे हाँ, थ्रेडिंग अगर करेंगे तो क्या मैं पूरा अपनी हथेली का इस्तेमाल करूँगी या फिर अपनी उंगली का, अगर धागे के लिए, धागे से कुछ करते हैं थ्रेडिंग वगैरह, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा, एक उंगली का, एक अंगूठे का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या है, एक फाइन मोटर स्किल है। टीयरिंग फाड़ने के लिए क्या मैं अपनी पाम, मतलब हथेली से कुछ चीज़ फाड़ सकती हूँ बिना उंगलियों का इस्तेमाल करे, नहीं, मुझे अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे फिंगर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या हो गया, ये फाइन मोटर स्किल। पेस्ट करने के लिए, क्या पेस्ट करने के लिए क्या मैं, चलो मैं कोई पेस्ट पाम से तो कर दूंगी दबा के, लेकिन क्या मैं इसको उठा के दूसरी तरफ चिपका सकती हूँ क्या अपनी ओनली हथेली से या फिर पैरों से, नहीं, मुझे उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपने उंगली, चाहे उसे पैर की उंगली हो चाहे हाथ की उंगली, मुझे उंगलियों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। स्क्रिबलिंग मतलब लिखने जैसा, या फिर जैसे जो बच्चे करते रहते हैं ऐसे, जो पेंसिल से, या फिर लिखने को कह सकते हैं आप राइटिंग, ठीक है, वो भी किससे होती है, उंगलियों से, ठीक है। कलरिंग किससे करेंगे, हालांकि आजकल तो बहुत सारे टेक्निक्स आ रखी है कि कलर कर सकते हैं, लेकिन जो मेन होता है कलर करने का, वो अपन कर सकते हैं हाथों से ही, ठीक है, हाथों से मतलब उंगलियों से करते हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रिंटिंग और जो मॉडलिंग, मतलब कुछ भी अगर बता सकते हैं कि जो हाथों से कुछ अपन मॉडलिंग के थ्रू, जैसे कुछ नमूना प्रकट करके ऐसा कुछ, या फोल्डिंग, फोल्ड करने का काम है, वो भी किससे कर सकते हैं अपन, उंगलियों से, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो अपन बिना मसल्स के करते हैं, उंगलियों का इस्तेमाल करके ज़्यादा चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, फाइन मोटर स्किल में। अब मैं सीधा कर दूँ कैचिंग, कैचिंग किस में आएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैचिंग तो अपन जो है खाली उंगली से नहीं कर सकती, मैं दो उंगली से कैच नहीं कर सकती हूँ, तीन उंगली से कैच नहीं कर सकती हूँ, मुझे क्या इस्तेमाल करना होगा, मेरी पाम भी उसमें आनी चाहिए, मेरी फिंगर्स में उसमें आने चाहिए, तो सारे मसल्स एक साथ यूज़ होंगे तभी मैं कैच कर पाऊंगी। तो अब उसका आपका आंसर जो है, जो कैच को हो जाएगा ग्रॉस मोटर स्किल, मतलब स्थूलगामक कौशल। थ्रोइंग, अगर मुझे थ्रो करना होगा तो मैं एक उंगली में एक बॉल फंसा के नहीं जो है फेंक सकती हूँ, मुझे पूरा हाथ का इस्तेमाल करना होगा, तो ये किस में आ जाएगा, ग्रॉस मोटर स्किल्स में, ठीक है। हॉपिंग मतलब कूदने के लिए मैं क्या उंगलियों से कूदूंगी, नहीं, मुझे पैरों का इस्तेमाल करना होगा, इसमें मसल्स, मसल्स को आप कंसीडर करिए, जिसमें बड़ी मसल्स वगैरह सभी यूज़ होती है, हाथ पैर इनको देख सकते हैं आप, तो उसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आएगा कि आप देखते पहचान लेते हैं कि भाई ये क्या चीज़ है, तो मैं कह सकती हूँ कि कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो टीचिंग से रिलेटेड, आई मीन कह सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में किसी भी एग्ज़ाम में जो टीचिंग से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम है उनमें तो आ ही जाता है। तो ठीक है, NTT में तो आज तक मुझे नहीं लगता कोई एग्ज़ाम ऐसा हुआ होगा जिसमें से फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। चाहे आप रास्ता NTT का देख ले, जितने भी पेपर हुए हैं, और जो डिटेल पेज भी NTT का देख सकते हैं, वो सारे पेपर देख सकते हैं, इनमें एक मिनिमम एक क्वेश्चन तो मैं बता रही हूँ, दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आपको जिस तरीके से नोट्स जो समझ में आया उस तरीके से आप नोट्स अपनी मेकिंग करें, खुद के अपने ओन नोट्स बनाएं, ठीक है।
इसके अलावा जो सारे के सारे जितने भी पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं आपको इसमें मिल गए होंगे, तो आप नोट कर लें क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका जो है पूरा कवर हो गया, इसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, तो ये श्योर मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। मैंने आपको इस तरीके से बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यह क्या ये चीज़ फाइन में आएगी या फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगी। तो मैं जल्दी से ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो अलग हैं तो मैं उनका पूरा कवर करवा के मैं आपको पूरा मॉक टेस्ट दूंगी। अगर आप पहले कुछ मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो पहले से मेरे चैनल पर बहुत सारे मॉक टेस्ट है प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप उनमें से लगा सकते हैं, जो कि मैंने जो रास्ता है NTT की जो प्रिपरेशन मैंने करवाई थी यूट्यूब चैनल पे, तो आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप जो है अभी से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो ऐसे जो वीडियोस आ रहे हैं इस साइकोलॉजी को लेकर के, तो उस पर भी आप पहले पढ़ के बाद में दे सकते हैं, तो उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन आप प्लेलिस्ट पर ज़रूर विजिट करें। सो इसका आप स्क्रीनशॉट पूरा ले लो। ओके, आई होप आपको ये छोटी सी क्लास जो है समझ में आई होगी, आपकी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी जो एक दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं तो इसमें काफ़ी मुझे जो आपका रुझान है वो कम देखने को मिला, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग हैं पता चल सके उनको। तो जल्दी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें, वीडियो अच्छी लग रही है तो। और कोई भी आपको लगता है कि आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरी ईमेल आईडी पे है जो है, आप ईमेल कर सकते हैं, ये मेरी ईमेल आईडी itisneha30@gmail.com, तो उस पर आप मुझे ईमेल करेंगे, मुझे रेलेवेंट लगेगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप मुझे सिंपली कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिपरेशन है वो चलती रहेगी, हालांकि अभी कुछ वीडियोज़ जो है कम आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि तो टाइम होगा आपके रेगुलर बेस पे सारे जो जितने भी सब्जेक्ट के पार्ट आपके दे रखे हैं कि जो मैथ्स रीजनिंग और ये साइकोलॉजी, उसके अलावा जो टीचिंग मेथड्स है वो सभी कवर करवाए जाएंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं है। और रही बात बुक्स की, तो मैं जल्दी आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ अच्छी बुक्स जो है लाने वाली हूँ, तो अभी आप कोई भी बुक ऐसी परचेज ना करें क्योंकि अभी जो है स्टार्टिंग हुई है जो देख सकते हैं वैकेंसी की, तो हो सकता है कि पुरानी बुक्स को ही एक नया कवर लगा के आपको दे दे, तो बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं करिए। कुछ दिन आप वेट करिए, उसके बाद आप कोई बुक खरीदिए, तो इतनी जल्दी नहीं है। सो वीडियो कैसे लगी? और पहली बार चैनल पे आया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाए। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।